दोस्तों, अगर एक क्रूर शासन वाले देश की बात की जाए तो उसमें उत्तर कोरिया पहले नंबर पर आता है, जहां का तानाशाह किम जोंग उन उत्तर कोरियाई लोगों पर मनचाहा जुल्म करता है। तो वहीं चीन भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। ताजा उदाहरण लेते हैं वैश्विक महामारी कोविड-19 का। चीन में इस महामारी से कितनी मौतें हुई, इसका सही आंकड़ा आज तक नहीं बताया गया। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन में घटी एक ऐसी ही क्रूर घटना की, जिसे तियानमेन चौक नरसंहार के नाम से जाना जाता है। दरअसल बात है 1989 की, जब चीन के उदारवादी नेता हु याओबांग को तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के विरोध के कारण पद से हटा दिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज याओबांग के समर्थकों और हजारों छात्रों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने लगे। प्रदर्शन के लिए लोगों ने तियानमेन चौक का चुनाव किया, जहां उन्हें और भी ज्यादा सहयोग प्राप्त हुआ और केवल 3 दिन के अंदर ही चौक पर कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण अब इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए 30 मई को छात्रों ने तियानमेन में लोकतंत्र की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसकी चर्चा चिंगारी की तरह पूरे देश में फैल गई। 2 जून को सरकार ने चीन में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सेना को हथियार और टैंकों के साथ सड़कों पर उतार दिया गया। 3 जून को ही छात्रों को हटाने का अभियान शुरू हो गया। उधर 4 जून 1989 को देंग जियापिंग और दूसरे नेताओं ने सेना को आदेश दिया कि चौक को पूरी तरह खाली करा लिया जाए। जब प्रदर्शनकारियों ने हटने से मना किया, तब सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और उन्हें हटाने के लिए टैंकों का प्रयोग किया। इस दौरान सेना के एक टैंक को रोकने की कोशिश करते हुए एक युवक की तस्वीर प्रकाशित होने के बाद यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जिसे चीन में टैंक मैन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश खुफिया राजनयिक दस्तावेज के अनुसार इस नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि चीनी सरकार के दावे के अनुसार इस घटना में केवल 200 से 300 लोग ही मारे गए थे। यह घटना पूर्णतः मानवाधिकार के खिलाफ थी और वैश्विक स्तर पर इसकी कड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन चीन की सरकार ने इसे पूर्णतया सही ठहराया। टोरंटो और हांगकांग यूनिवर्सिटी के अनुसार इस नरसंहार से जुड़े 3,200 से अधिक सबूतों को अब तक मिटाया जा चुका है। यही नहीं, घटना स्थल पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं मिलती और घटना की जांच करने वाले कई मीडिया कर्मियों का तो पता तक नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। तो इस वीडियो में आपको यही पता चला होगा कि चीन इतिहास से ही क्रूर और निर्दयी रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको चीन से जुड़े अन्य वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद।